फूटाताल स्थित राशन दुकान को निरीक्षण करने पहुंची खाद्य विभाग की टीम को देखते ही दुकान संचालक दुकान में ताला लगाकर भाग निकला, तो वहीं पहुंची खाद्य विभाग की टीम ने दुकान को सील करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल दो दिन पहले पहुंची खाद्य विभाग की टीम को दुकान बंद मिली थी, जिसके चलते शनिवार को राजस्व व खाद्य विभाग की टीम जाँच करने पहुंची और ताला खुलवाया और जाँच शुरू की तो दुकानदार उत्तेजित हो गया और उसने किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं किया, तो वहीं थोड़ी देर के बाद दुकानदार मौके से फरार हो गया। दुकान की जांच होनी थी शासकीय उचित मूल्य दुकान की, तो विक्रेता को फोन पर बुलाया गया, वो आए लेकिन उसके बाद उन्होंने शटर गिरा दी और उन्होंने भौतिक सत्यापन नहीं करने दिया, इसलिए दुकान को सील करनी पड़ेगी। तहसीलदार मैडम के समक्ष में मैडम दुकान सील की कि मतलब उपभोक्ताओं को राशन नहीं मिला है, इसलिए हमने कहा कि उपभोक्ताओं का संपर्क करना ज़रूरी है और दुकान का भौतिक सत्यापन मिलान करना ज़रूरी है, तो उसी की जांच हो रही थी। भौतिक सत्यापन करना था दुकान का और उपभोक्ता संपर्क करना था। क्या दुकान? दोनों आईडी वाला है जी। दुकान क्रमांक क्या है? 3316076। सत्यापन में क्या पाया? तो भौतिक सत्यापन नहीं हो पाया, दोनों डाला हूं मैं। शटर गिरा दी गई, सील कर दिया। दुकान इसलिए सील हो गई है।